बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में आपसे मॉक्सीगान आई ड्रॉप से मुतल्लक बात करेंगे कि मॉक्सीगान ड्रॉप जो आँख से मुतल्लक है, ये किन मकासद के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं और इसके यूजेस, इसकी मकदार, इस्तेमाल और प्राइस से मुतल्लक आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताते चलें कि ये आई ड्रॉप इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। मॉक्सीगान 0.5% में ये अवेलेबल होता है, यानी दस्तियाब है। आँखों में हर तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इंतहाई मुफीद आई ड्रॉप है। आँखों में सुर्खी, एलर्जी, ख़ारिश, जलन, पिंसी वगैरह और पानी बहना जैसी अलामत में फौरी आराम पहुँचाता है। आँखों के मुख्तलिफ अमराज के लिए इस्तेमाल करते हैं। आँखों में किसी भी किस्म का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो ये ड्रॉप नहायत अहम है और आँखों के इन्फेक्शन से आपको जल्द राहत मिल जाएगी। आँखों के इन्फेक्शन का मतलब है कि किसी भी किस्म के जख्म लगने की सूरत में आँख में जब पानी बहना शुरू हो जाता है और सूजन, दर्द, आँखों में सूजन, दर्द, एलर्जी, ख़ारिश, जलन वगैरह के नतीजे में किसी किस्म के प्रॉब्लम से भी होने वाली सूरत को इन्फेक्शन ऑफ आई साइड कहते हैं। इसके अलावा आँखों में होने वाली मुख्तलिफ किस्म की एलर्जी, जैसे डस्ट एलर्जी, आशोब चश्म के नतीजे में होने वाली एलर्जी के लिए भी इस ड्रॉप का इस्तेमाल नहायत अहम और मौसर है और बेहतरीन है। तो इसकी कंपोजिशन से मतलब आपको बताता चलें कि ये मॉक्सीफ्लॉक्सासिन एज हाइड्रोक्लोराइड 5 मिलीग्राम में ये अवेलेबल होता है, ये इसमें दस्तियाब है। इसको हमेशा आपने 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम दर्जा हरारत पर रखना है और हीट और धूप से इसको बचाना है ताकि इसके जो मुफीद है इसके में फ़र्क ना आए और आपको इसका फ़ायदा हो सके। तो बात हो रही थी आँखों की जलन, आँखों का दुखना, इन्फेक्शन की सूरत में आँखों में चिपचिपाहट, तो ऐसी तो आँखें जैसे चिपकना शुरू हो जाती हैं, तो इस सूरत में भी आप मॉक्सीगान 0.5% आई ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत मौसर और बेहतरीन है। अगर किसी अफेक्टेड पर्सन की वजह से आपकी आँखों में वही प्रॉब्लम के इश्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं, तो इस सिलसिले में भी, यानी इसके इन्फेक्शन आपकी आंखों में आना शुरू हो जाएं, तो फिर भी आप इसका इस्तेमाल नहायत मौजूद और बेहतरीन है। और बहुत सारे लोगों में सुबह सोकर जब उठते हैं तो आंखें उनकी चिपचिपी होती हैं और आंखों से सफ़ेद गाढ़ा मवाद वगैरह निकलना शुरू हो जाता है। आप इसके दस्तियाबी से मतलब आपसे बात करें तो ये मुख्तलिफ कंपनियों के मुख्तलिफ ब्रांड्स में दस्तियाब होता है, जिसमें मॉक्सीगान, वेगामॉक्स, आई मैक्स डी, कोमॉक्स वगैरह के नाम से ये होता है। श्रीवाल ये 5 ml ये दस्तियाब होता है स्टीरॉइड वाइल में ये, और इन सब को की फार्मूलेशन एक जैसी होती है, यानी मॉक्सीफ्लॉक्सासिन सेम इनकी फार्मूलेशन होती है। और ये मॉक्सीगान जिसकी वीडियो आप मुलाजा फरमा रहे हैं, इसकी प्राइस से मतलब आपको बताते चलें तो इसकी प्राइस जो है 350 है, यानी 350 रुपये है। मुख्तलिफ कंपनियों के मुख्तलिफ प्राइस रेट होते हैं। आपने जब भी इस सिलसिले में किसी ड्रॉप का इंतखाब करना है तो आपने अपने डॉक्टर से रिकमेंड करके ही इसका इस्तेमाल करना है। किसी किस्म के प्रॉब्लम की सूरत में किसी भी मेडिसिन को या ड्रॉप का इस्तेमाल आप अपने तौर पर ना करें, ताकि आपको अपनी आँखों से मुतल्लक कोई इशू ना हो। अब तरीका इस्तेमाल से मुतल्लक आपको बताते चलें कि 1 से 2 कतरे मुतासर आँख में सुबह और दोपहर शाम इसका इस्तेमाल कराया जाता है, और इसका इस्तेमाल 1 हफ्ता तक इसका इस्तेमाल कराया जाता है, और मुकम्मल तौर पर आँख की इन्फेक्शन इसमें जो है ठीक हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और बाद का डॉक्टर हजरात इस ड्रॉप का इस्तेमाल ज़्यादा दिनों तक भी कराते हैं, यानी 15 से 20 दिनों तक भी इसका यूज़ कराते हैं। लेकिन इसका इंसार आपकी आँख की सेंसिटिविटी पर होता है, वो आपकी आपका और डॉक्टर जो आपका हाई स्पेशलिस्ट है आपको बता सकेगा। वो मरीज जिनमें मॉक्सीगान एलर्जिक हो, यानी कि वो मरीज़ जिनमें मॉक्सीगान मेडिसिन लेने या आई ड्रॉप लेने से एलर्जिक होते हैं, वो तो उनको इसका इस्तेमाल नहीं करा सकते हैं, क्योंकि उनसे वो एलर्जिक होते हैं। बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक भी इसका इस्तेमाल नहीं कराया जाता, ताकि आराम होने के बजाय आँख के प्रॉब्लम न बढ़ जाए। ये इसके प्रिकॉशंस हैं। बाकी इसके साइड इफ़ेक्ट से मतलब बात करें तो आँखों में स्वेलिंग, आँखों में मुसलसल पानी बहना, सूजन में इजाफा इसमें हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि ड्रॉप जो मॉक्सीगान से मतलब वीडियो
जो इंफॉर्मेटिव वीडियो थी आपको पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली मेडिकल से और मेडिसिन से मुतलक वीडियो आप तक बासानी पहुँच सके। ज़्यादा चाहता हूँ अल्लाह हाफिज़।